29B फास्ट ट्रैक प्रोसीजर से डील करता है। फास्ट ट्रैक प्रोसीजर देखो, इन सिंपल हम ये कह सकते हैं कि फास्ट ट्रैक प्रोसीजर में जो पार्टीज हैं वो क्या करती हैं, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को विद इन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम कंप्लीट कराने के लिए एप्लीकेशन देती हैं आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल को राइटिंग में, ताकि उनका आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग विद इन 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाए। तो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर क्या है? अ प्रोसीजर विच इज या अ प्रोसीजर विच मे बी अडॉप्टेड इन राइटिंग बाय द पार्टीज टू फास्टेन द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। यही क्या है, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर है इन माय वर्ड्स। ठीक है, हमारे सिंपल शब्दों में यही है फास्ट ट्रैक प्रोसीजर, एक प्रोसीजर जो कि अडॉप्ट किया जाता है पार्टीज के द्वारा। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम फास्ट ट्रैक प्रोसीजर इस पर्टिकुलर टॉपिक से डील करेंगे। हमारे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का सेक्शन 29B फास्ट ट्रैक प्रोसीजर से डील करता है। फास्ट ट्रैक प्रोसीजर देखो, इन सिंपल हम ये कह सकते हैं कि फास्ट ट्रैक प्रोसीजर में जो पार्टीज हैं वो क्या करती हैं, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को विद इन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम कंप्लीट कराने के लिए एप्लीकेशन देती हैं आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल को राइटिंग में, ताकि उनका आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग विद इन 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाए। तो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर क्या है? अ प्रोसीजर विच इज या अ प्रोसीजर विच मे बी अडॉप्टेड इन राइटिंग बाय द पार्टीज टू फास्टेन द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। यही क्या है, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर है इन माय वर्ड्स। ठीक है, हमारे सिंपल शब्दों में यही है फास्ट ट्रैक प्रोसीजर, एक प्रोसीजर जो कि अडॉप्ट किया जाता है पार्टीज के द्वारा राइटिंग में, ताकि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को एक स्पीड मिल सके, ताकि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो सके। और ये प्रोविज़न हमारे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के सेक्शन 29B में दिया गया है। फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन
इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है वेयर बाय आर्बिट्रेशन प्रोसीजर इज मैंडेटेड टू बी रैप्ड अप विद इन 6 months. तो यहाँ पे आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को 6 महीने के अंदर कंप्लीट कराना होता है फ्रॉम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. एंड प्रोविजंस प्लेस्ड इन दिस एक्ट डील्ड विथ रिटन प्लीडिंग्स एंड डिड नॉट मेक एनी अकोमोडेशंस फॉर ओरल प्रोसीडिंग्स. तो अगर पार्टीज फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के तहत अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के माध्यम से रिजॉल्व करना चाहती हैं तो उन्हें राइटिंग में प्ली करना होगा, और वो केवल राइटिंग में ही इस प्रोसीजर को अडॉप्ट कर सकती हैं. कोई ओरल प्लीडिंग पार्टीज के तरफ से अगर दिया जाता है रिगार्डिंग फास्ट ट्रैक प्रोसीजर तो वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पर बाइंडिंग नहीं होगा. यही है फास्ट ट्रैक प्रोसीजर. तो आई होप कि जो बैकग्राउंड है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर जो बेसिक मीनिंग है, अगर आपसे वाइवा में फास्ट ट्रैक प्रोसीजर पूछा जाता है टीचर्स के द्वारा तो आप फास्ट ट्रैक प्रोसीजर को इन वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हो और सेक्शन 29B रेफर कर सकते हो. अब हम सेक्शन 29B के प्रोविजंस को देखेंगे. सेक्शन 29B पॉइंट 1 या क्लॉज 1 क्या कहता है? पार्टीज टू एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट मे एट एनी स्टेज आइदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अग्री इन राइटिंग टू हैव देयर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व्ड बाय फास्ट ट्रैक प्रोसीजर स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 3. क्या कह रहा है? पार्टीज टू एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, यानी जो पार्टीज हैं मे एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर, आइदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. पार्टीज किसी भी स्टेज के दौरान आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को अपॉइंट करने से पहले या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को अपॉइंट करने के समय राइटिंग में अग्रीमेंट कर सकती हैं कि उनका जो डिस्प्यूट होगा वो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के तहत रिजॉल्व कराया जाएगा. राइट. दूसरा पॉइंट, पार्टीज टू आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट वॉइल अग्रीइंग फॉर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बाय फास्ट ट्रैक प्रोसीजर मे एग्री दैट Arbitral tribunal shall consist of a sole arbitrator who shall be chosen by the parties. तो arbitration agreement के ही दौरान parties ये भी decide कर सकती हैं कि arbitration के तहत वो अपने dispute को resolve कराएंगी fast track procedure के दौरान, लेकिन वो केवल एक सिंगल आर्बिट्रेटर से अगर रिजॉल्व करना चाहती हैं तो इट इज अप टू देम. पार्टीज आर फ्री टू फिक्स द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स. पार्टीज अगर चाहती हैं तो एक सोल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकती हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में, जो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर का यूज करके उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा. और ये जो आर्बिट्रेटर होगा वो दोनों ही पार्टीज के द्वारा चोजन होगा, दोनों ही पार्टीज के द्वारा इलेक्ट किया गया होगा, अपॉइंट किया गया होगा. ठीक है. तीसरा,
पहला हमने देखा कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में जो पार्टीज हैं वो किसी भी स्टेज पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अपॉइंटमेंट के समय या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अपॉइंटमेंट के पहले राइटिंग में ये डिसाइड कर सकती हैं कि उनका जो डिस्प्यूट है वो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर अंडर सेक्शन 29B के तहत रिजॉल्व कराया जाएगा, और ये किस में होगा, राइटिंग में होगा। फिर पार्टीज ये डिसाइड कर सकती हैं कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में केवल एक आर्बिट्रेटर होगा जो दोनों पार्टीज के द्वारा म्यूचुअली अपॉइंटेड होगा, जो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर का यूज करेगा उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में। तीसरा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल फॉलो फॉलोइंग प्रोसीजर व्हाइल कंडक्टिंग आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स अंडर सबसेक्शन 1। क्या कह रहा है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल फॉलो these procedures while conducting arbitration proceeding under subsection 1 of 29B। ठीक है, पहला सबसेक्शन क्या था कि पार्टीज राइटिंग में अग्रीमेंट कर सकती हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और प्रायर टू इट, दैट देयर डिस्प्यूट शैल बी रिजॉल्व्ड बाय फास्ट ट्रैक प्रोसीजर। तो कह रहे हैं अगर पार्टीज सबसेक्शन 1 के तहत चलती हैं, यानी फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के तहत अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहती हैं, तो उन्हें नीचे दिए गए इन प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। पहला प्रोसीजर क्या है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड द डिस्प्यूट ऑन द बेसिस ऑफ रिटन प्लीडिंग्स डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिशंस filed by the parties without any oral hearing। तो पहला प्रोसीजर क्या है जो उन्हें फॉलो करना होगा, सबसे पहले उन्हें उस डिस्प्यूट को निर्धारित करना होगा जिस डिस्प्यूट को रिजॉल्व वो कराना चाहते हैं फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू, और जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी सबमिशंस हैं वो पार्टीज करेंगी, और ये सभी राइटिंग में होगा, ओरल प्लीडिंग्स यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो यहां आप लिख सकते हो कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट शैल बी डिसाइडेड बाई आर्बिट्रल द पार्टीज इन फॉर्म ऑफ रिटन प्लीडिंग्स, राइट, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स आर टू बी कंप्लीटेड, और ये सभी चीजें किसमें होंगी, राइटिंग में होंगी। दूसरा कहता है बी, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल हैव पावर टू कॉल फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन और क्लारिफिकेशन फ्रॉम पार्टीज इन एडिशन टू प्लीडिंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाय देम। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को नेसेसरी लगता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को अगर ऐसा लगता है कि और भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मंगा सकता है पार्टीज से। तीसरा, एन ओरल हियरिंग मे बी हेल्ड ओनली इफ ऑल पार्टीज मेक अ रिक्वेस्ट और इफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंसिडर्स इट नेसेसरी टू हैव ओरल हियरिंग फॉर क्लासिफाइंग सर्टेन इश्यूज। क्या कह रहे हैं, ओरल हियरिंग फास्ट ट्रैक प्रोसीजर में नहीं होता है, रिटन प्लीडिंग्स होता है पार्टीज के द्वारा, लेकिन जितने पार्टीज हैं अगर वो एक साथ चाहते हैं ओरल प्लीडिंग्स करना, तब वो कर सकते हैं बिफोर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, या अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लगता है कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन पर ओरल हियरिंग हो सकता है
तो एज पर द रिक्वायरमेंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मे गो फॉर ओरल प्रोसीडिंग्स, राइट। तीसरा कंडीशन हो गया ए बी सी डी, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मे डिस्पेंस विथ एनी फॉर्मेलिटीज इफ एन ओरल हियरिंग इज हेल्ड, अडॉप्ट सच प्रोसीजर एज डीम्ड अप्रोप्रिएट फॉर एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द केस। तो जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, अगर ओरल हियरिंग हुआ है तो उसके लिए जो भी अप्रोप्रिएट प्रोसीजर लगता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को, यानी जो भी प्रोसीजर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लगता है कि ये ज़रूरी है मैटर को तुरंत डिस्पेंस करने के लिए, मैटर को शॉर्ट टाइम में ख़त्म करने के लिए, तो उन फॉर्मेलिटीज़ को भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कर सकती है। ई क्या कहता है, द आर्बिट्रल अवार्ड मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंटर्स अपॉन रेफरेंस। तो हमने जाना कि सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 29B, इट इज अप टू द पार्टीज टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट इन राइटिंग फॉर फास्ट ट्रैक प्रोसीजर आइदर एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और प्रायर टू इट, दैट दे आर गोइंग टू सॉल्व दियर डिस्प्यूट्स बाय फास्ट ट्रैक प्रोसीजर। तो जिस दिन पार्टीज ने डिसाइड किया, जिस दिन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बन करके तैयार हुआ और ये डिटरमाइन किया गया कि फास्ट ट्रैक प्रोसीजर का यूज करके पार्टीज अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराना चाहती हैं, तो फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विद इन पीरियड ऑफ 6 months, 6 महीने के अंदर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, एंड इट इज द लाइबिलिटी ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिकॉज पार्टीज हैव ऑप्टेड फॉर फास्ट ट्रैक प्रोसीजर। Am I clear? Section 29B. ठीक है। तो ये 5 प्रोसीजर आपको फुलफिल करना है, किसको? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को। और F, इफ द अवार्ड इज नॉट मेड विद इन पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 4, the provisions of subsection 3 to 9 of section 29A shall apply to the proceedings। ठीक है। तो यानी यहां पर सिंपल ये कह रहा है, आप ऐसे समझो, अगर अवार्ड विद इन पीरियड ऑफ 6 months नहीं डिक्लेयर किया जाता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो सेक्शन 29A के जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। सेक्शन 29A के जो सब सेक्शंस हैं राइट फ्रॉम सेक्शन 3 to 9, ये एप्लीकेबल हो जाएंगे। सेक्शन 29A सब सेक्शन 3 to 9 आप एक बार ऐसे ही देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे सेक्शन 29A क्या कहता है, टाइम लिमिट के बारे में बात करता है। टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड देने का या आर्बिट्रल अवार्ड डिक्लेयर करने का क्या टाइम पीरियड है, विद इन विच आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल हैव टू मेक आर्बिट्रल अवार्ड। ठीक है। और लास्ट पॉइंट कहता है, द फीस पेबल टू आर्बिट्रेटर एंड मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ फीस शैल बी सच एज
may be agreed between arbitrators and parties. तो सिंपल जो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर का जो फीस होगा, आर्बिट्रेटर्स और पार्टीज एक दूसरे के कंसेंट से, एक दूसरे के कम्युनिकेशन से डिसाइड करेंगे, राइट। तो ये था फास्ट ट्रैक प्रोसीजर विद इन सेक्शन 29B ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। चलिए अब अपने डिस्कशन को अगर हम सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि देखो, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का सेक्शन 29B फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के बारे में बात करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर का मतलब होता है कि वंस पार्टी हैव डिसाइडेड इन राइटिंग रिगार्डिंग फास्ट ट्रैक प्रोसीजर, तो अब जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो बाउंड है कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को 6 महीने के अंदर कंप्लीट करेगी और आर्बिट्रल अवार्ड ग्रांट करेगी अपॉन द पार्टीज विच इज बाइंडिंग ऑन देम, राइट। और फिर क्या कहता है, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर केवल और केवल रिटन अग्रीमेंट के तहत ही डिसाइड किया जाएगा पार्टीज के द्वारा। पार्टीज चाहें तो किसी एक सिंगल आर्बिट्रेटर को, शोल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकती हैं। और वंस फास्ट ट्रैक प्रोसीजर हैव बीन अडॉप्टेड बाय पार्टीज इन राइटिंग, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कुछ कंडीशंस, कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे जिसे हमने इन पॉइंट्स में डिस्कस किया। एक कहता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिस्प्यूट को डिसाइड करेगा केवल और केवल रिटन प्लीडिंग्स के बेसिस पर, ठीक है। और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल हैव पावर, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि अगर उसे कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए तो पार्टीज को बुला सकता है। ओरल हियरिंग तभी हो सकता है जब सभी पार्टीज इसके लिए अग्री हों, या जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लगे कि इस पर्टिकुलर इशू पर ओरल हियरिंग किया जा सकता है तभी। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने ओरल हियरिंग किया है ऑन एनी सर्टेन इशू तो अदर जितने भी फॉर्मेलिटीज होंगे उसे करने होंगे ताकि मैटर को तुरंत डिसॉल्व कराया जा सके, कम से कम टाइम में विद इन 6 मंथ्स पूरा किया जा सके। तो जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी रिगार्डिंग ओरल प्लीडिंग्स तुरंत करेगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, 6 महीने के अंदर आर्बिट्रल अवार्ड देना है। 6 महीने के अंदर आर्बिट्रल अवार्ड अगर नहीं दिया गया तो सेक्शन 29A के जो प्रोविजंस हैं राइट फ्रॉम सब सेक्शन 3 to 9 वो एप्लीकेबल होंगे। सेक्शन 29A बेसिकली टाइम लिमिट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में बात करता है। और लास्ट कहता है कि जो फीस होगा वो आर्बिट्रेटर्स और पार्टीज आपसी सहमति से डिसाइड करेंगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के इस वीडियो में हमने फास्ट ट्रैक प्रोसीजर को डिटेल में समझा और आई थिंक कि पेड कोर्सेज में भी आपको इस तरह से कोई समझाने की कोशिश नहीं करेगा, इतना एफर्ट्स नहीं डालेगा, राइट। तो अगर ये वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।